सभी मित्रों को मेरी तरफ से हरिओम तत्सत और प्यार भरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में और आज के ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज सावन का अंतिम सोमवार है। मित्रों, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन के महीने में महादेव को यहां पर भोग लगाया जाता है। यह भोग शिरोन्या के ग्रामवासियों द्वारा लगाया जाता है, जिसके लिए आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मित्रों, अल्मोड़ा जिला मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल तथा बिनसर नदी के संगम तट पर मुंडेश्वर महादेव मंदिर का समूह विद्यमान है। पुरातत्व विभाग के अनुसार इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है, जो कि जागेश्वर एवं केदारनाथ शैली पर आधारित है। मुंडेश्वर महादेव मंदिर यह 6 मंदिरों का समूह है। पुरातत्व अवशेषों के अनुसार जो मुख्य मंदिर है, जिसमें भगवान शिव का लिंग स्थापित किया गया है, यह 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य स्थापित किया गया था। उस समय कुमाऊं में कत्यूरी शासकों का राज्य था। मंदिर के सामने एक पर्वत है, जिसे गज पर्वत अथवा गजाधार के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण के मानस खंड में इसका वर्णन मिलता है। इस गज पर्वत पर माता मनसा देवी का भी एक मंदिर विद्यमान है। इस मंदिर को पुरातत्व विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ किया गया है, परंतु इस मंदिर की स्थिति काफ़ी खराब हो गई है, जिसमें काफ़ी टूटी हुई मूर्तियां भी एक जगह पर इकट्ठा की गई हैं। मुख्य मंदिर के समीप ही एक मंदिर और विद्यमान है, जो शिव पार्वती का मंदिर है। यह 14वीं सदी में बना हुआ मंदिर है, जिसमें शिव पार्वती की मूर्ति विद्यमान है, जिसे अर्धनारीश्वर मंदिर भी कहा गया है। इसमें शिव एवं पार्वती को वाहन नंदी पर बैठे दिखाया गया है। इस मूर्ति के दाएं एवं बाएं भाग में क्रमशः भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को चित्रित किया गया है। शिव एवं पार्वती के मस्तक भाग के थोड़ा ऊपर मध्य में एक पंक्ति में 5 शिवलिंग बने हुए हैं। इस गर्भगृह में 9 ग्रहों को तथा अन्य गणों के साथ साथ लकुलीश को भी दर्शाया गया है। मंदिर के सामने जो अन्य 4 छोटे छोटे मंदिरों का समूह है, इनका निर्माण पर्वती कत्यूरी शासक 1229 से 1307 ईस्वी के मध्य अर्जुन देव द्वारा कराया गया था।
भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया गया तथा उसके बाद भगवान शिव को भोग लगाया गया। मित्रों, इसके बाद अन्य कार्यक्रमों को पूर्ण करते हुए अंत में प्रसाद का वितरण किया गया।